हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, ये क्लास हम लोगों ने शुरू की है क्लाइंस एकेडमी टीम के द्वारा। एक नया इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जो आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही इंक्लूड करते हुए मेंस ओरिएंटेड पूरे के पूरे लेक्चर्स होंगे जो हैंड रिटन नोट्स में होंगे, और जिसका पहला लेक्चर हम लोगों ने कल वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में देखा, और आज भी हम सेकंड लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। जल्दी ही मैं होली के बाद दो दो सब्जेक्ट लेकर शुरू करूंगा जिसमें इकोनॉमिक्स की भी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की कि सर ये नोट्स किसके लिए रहेंगे, कौन से एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ओरिएंटेड पूरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होगी। साथ में जितने भी आप स्टेट पीसेस दे रहे हो, चाहे वो यूपी पीसेस दे रहे हो, आरओ एग्जाम दे रहे हो, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, कोई भी स्टेट का पीसेस दे रहे हो, तो सबके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स सब कुछ सेम होता है। तो वहां पर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही चीजों को आप यहाँ पे टैकल कर पाओ। और इसकी जो खास बात है, इसमें कुछ जो एस्पिरेंट सेलेक्टेड है 2022 और 23 के, उनके नोट्स का कंपाइल किया गया है। साथ में मेरे हैंड राइटेड नोट्स है और कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी इसमें कंपाइल किया गया है। ध्यान देना कि ये कोई मॉडल आंसर नहीं है कि आपको रटा रटाया पका पकाया पकवान मिल जाए कि आपने उस मॉडल आंसर को याद कर लिया और आपने मेंस लिख दिया। ये एक हैंड राइटेड नोट्स है जिसमें प्रीलिम्स की भी नॉलेज दी गई है, मेंस की भी नॉलेज दी गई है, और जब ये पूरी सीरीज लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की, उसके बाद आपको मैं मॉडल आंसर दूंगा। और जब अगर आप लोगों ने ये पूरी सीरीज कवर की हर एक सब्जेक्ट की, तो आप मॉडल आंसर में बहुत ही परफेक्ट, या यू कहें कि बहुत ही कंफर्टेबल फील होंगे। और यहां पर आप देखो कि कल हम लोगों ने पहले लेक्चर को कवर किया, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट्स आए, क्वेरीज आई, तो ये सारे लेक्चर्स हम लोगों ने कल कवर किए थे। लेकिन कल का मैंने टॉपिक यहां पे होल्ड किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन। इससे पहले मैंने आपको पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बताया, कहां पे आपको सिलिका मिलेगी, कहां एल्युमिनियम है, कहां पे फेरस ऑक्साइड है यानी कि लोहे की मात्रा कहाँ निकल है, ये सारी चीजें मैंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कल आपको समझाई थी। तो इन्हीं सब चीजों के बाद अब आपकी आज की ये सेकंड क्लास रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस पूरी तैयारी कराई जाती है। PT 365 की रेगुलर क्लासेस कराई जा रही है, एटलस की वर्ल्ड मैपिंग कराई जा रही है, प्रॉपर एटलस की बुक में ही कराई जा रही है, जिससे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी लोकेशन को ट्रैक कर पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो मैंने कल की क्लास में आपको एक ओवरव्यू वाले पॉइंट पे लाके छोड़ा था, ओवरव्यू देके कि हम अगर पृथ्वी के अंदर की संरचना की कल्पना करेंगे तो किस प्रकार की कल्पना हो सकती, किस प्रकार की संरचना हो सकती, इस पे मैंने आपको छोड़ा था कि क्या पृथ्वी अंदर से घनत्व पे आधारित हम कह सकते हैं कि क्या पृथ्वी पूरी तरीके से ठोस है, या फिर अगर हम तापमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या पृथ्वी अंदर से बहुत ही गर्म है, या फिर भूकंप शास्त्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में अंदर कुछ जो प्लेटें हैं टेक्टोनिक, इनके मूवमेंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर एक एक स्टडी को हम लोग शुरू करेंगे। तो पहली स्टडी हम बात करेंगे घनत्व पे आधारित। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व को सामान्यतः हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं और एम अपॉन वी, यानी इसका मतलब क्या होगा आप समझिएगा, जहां पे घनत्व ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वहां पे मास यानी कि द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, अर्थात जहां पे द्रव्यमान या अणु का भार जो है कि सबसे अधिक होगा वहां पे घनत्व भी ज्यादा होगा। घनत्व को इन शॉर्ट मैंने बताया था, जो बिगिनर बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हुए इस जटिल वर्ड को, घनत्व का मतलब होता है जहां पे पदार्थ के अणुओं के बीच में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो, एक दूसरे के पास रहे, चिपक कर रहे, जैसे ठोस वस्तु हम कह सकते हैं कि जिसका घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सबसे अधिक घनत्व किसका, ठोस का देखने को मिल जाता है। क्लियर है ये बात। अब यहां पर बात करेंगे कि d इज इक्वल टू m अपॉन v का मतलब हो गया कि जहां पर घनत्व अधिक होगा वहां पे मास भी अधिक होगा। तो अगर मैं ये एज्यूम्पशन करूं कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में घनत्व ज्यादा अधिक है, इट मींस कि आंतरिक परतों में क्या है, घनत्व ज्यादा है, अर्थात वहां पे द्रव्यमान अधिक है, अर्थात वहां पे जो है कि वजन अधिक है। लेकिन इसका एक दूसरा भी तो कंक्लूजन निकल रहा है कि जहां पे घनत्व अधिक होगा वहां पे आयतन भी कम होगा, ध्यान देना, या फिर जहां पे घनत्व कम होगा वहां पे आयतन ज्यादा होगा। अब आयतन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए, किसी चीज का प्रसार होना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने एक बड़ी थाली में एक लिक्विड फॉर्म में पानी ले लिया,
लिक्विड फॉर्म में पानी ले लिया एक बड़ी थाली में, तो आप देखोगे पानी इस पूरे थाली में फैला हुआ रहेगा, अर्थात ये पूरा इसका आयतन हो गया। आयतन मतलब वो जो एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अगर इसी पानी को मैं एक छोटे से कटोरी में रख देता हूँ, एक बाउल में रख देता हूँ, तो आप देखोगे वो इसके एरिया को भर देगा, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका आयतन कम हो गया और इसका आयतन क्या था, अधिक था। इसका मतलब एक चीज आप समझ गए कि आयतन का मतलब होता है कि जहां पे प्रसार होना बहुत अधिक मात्रा में या फिर कम होना। तो सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज बताओ कि जहां पे डी अधिक है अर्थात घनत्व अधिक है, वहां पे आयतन कम देखने को मिलेगा कि नहीं, वेलोसिटी कम देखने को मिलेगी। पहले ये टेम्परामेंट, जो आपकी ये कॉन्सेप्ट है ना, फॉर्मूला, इसको समझो कि तभी आप पृथ्वी के बारे में समझ पाओगे। तो इसका मतलब हो गया कि जहां पे घनत्व अधिक वो एक ठोस गेंद हो सकती है, एक ठोस गेंद हो सकती है, ठोस पदार्थ होगा। तो यहां पे आप देखो इसका आयतन क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि छोटा सा एरिया है क्षेत्रफल एक तरीके से। और जहां पे आप देखोगे घनत्व कम होगा अर्थात ठोस की जगह, मैं कह दूं अगर गैस की बात कर लूं, गैस में क्या होता है घनत्व कम होता है, तो आप देखोगे उसका आयतन उतना ही अधिक होगा, यानी इसके जो अणु है ये बहुत बड़ी मात्रा में बहुत दूर दूर जो है कि फैले हुए होंगे, और ऐसा लगेगा कि इसका आयतन बहुत अधिक है। तो यहां तक ये फॉर्मूला कहता है कि D is equal to m upon v, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जितना अधिक घनत्व होगा उतना ही मास रहेगा, या जितना अधिक घनत्व होगा तो उतना ही कम मात्रा में आयतन होगा। ये अपोजिट रिलेशन बनाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो अगर आप यहां पर पृथ्वी को देखोगे, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखना चाहोगे, तो मैं अगर कहूं आपसे कि अगर आप पृथ्वी के अंतर्गत जो तीन अलग अलग लेयर देखते हैं, तो इसको यहां पर मैं क्या कहूंगा, इस वाले पार्ट को मैं क्रस्ट कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, क्रस्ट कह सकता हूं। तो क्रस्ट का मतलब हो गया जहां पे हम ऊपर रहते हैं पृथ्वी के स्थल मंडल पे, जो मैंने आपको बताया था। अगर हम इसके औसत घनत्व की बात करें तो 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। कितना होता है, 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक आपको देखने को मिल। लेकिन ये तो आपको जो घनत्व देखने को मिल रहा है ये क्रस्ट के आधार पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जब पृथ्वी का आप औसत घनत्व निकालोगे, औसत घनत्व का मतलब हो गया कि आपको कोर एरिया को भी कवर करना पड़ेगा, मेंटल एरिया को भी कवर करना पड़ेगा, और क्रस्ट को भी जब कवर करोगे, आप जब इन तीनों का औसत जो है कि घनत्व निकालोगे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का, तो इसका घनत्व देखने को मिलता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलता है। और ये कैसे निकलेगा, इसका अगर मैं फॉर्मूला अभी आपको बताना चाहूं, तो औसत निकलता है a + b/2, यानी कि 5.5 ग्राम बराबर 3.5 तो आपको देखने को मिल गया क्रस्ट का, प्लस b यानी मेंटल का निकाल सकते हो, बटे 2 यानी b इज इक्वल टू निकाल दोगे आप इस तरीके से। ये आपकी एक टेक्निकल समझ है, इसको आपको जानने की खास आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज बताना चाहूं, तो यहां पर आप देखोगे कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व फाइनली क्या है, सबसे अधिक है अपेक्षाकृत पृथ्वी के औसत घनत्व से। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, वो क्या चीज है, आप यहां पर देखो कि पृथ्वी की जो आंतरिक औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस औसत में आप देखोगे आपका इसकी बाहरी परत क्रस्ट भी शामिल है, और आंतरिक परत के अंतर्गत आप देखोगे, आंतरिक लिखना था यहाँ पे, ठीक है, आंतरिक परत के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कोर और मेंटल भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम केवल और केवल पृथ्वी की आंतरिक परत की बात करते हैं, तो इसका अपेक्षाकृत घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा निकलता है। इट मींस मैं इसको कह सकता हूं कि जो पृथ्वी की आंतरिक परतें होती हैं इसका जो है कि घनत्व तो ज्यादा है। इट मींस कि क्या कहूंगा कि डी अगर अधिक है, डी का मान अधिक है, तो इसका मतलब वहां पर मास का मान भी अधिक है, द्रव्यमान भी अधिक है, और आयतन यहां पर कम होगा, इसीलिए यहां पर ज्यादा फैलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऊपर जाने पे आपको फैलाव उतना ही अधिक देखने को मिलता है। तो यहां पर एक स्टडी ने यह बता दिया कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, ठोस है। लेकिन फिर यहां पर बात आती है कि नहीं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि नहीं, ये प्रमाणित जो है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर दो मत अलग अलग आते हैं घनत्व में वृद्धि के आधार पर, क्योंकि इन्होंने कहा जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीचे जाओगे, क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर, तो आपको देखने को मिलेगा कि घनत्व में वृद्धि हो रही है। भाई जैसे जैसे आप अंदर की परतों में जाओगे तो घनत्व में वृद्धि देखने को मिली। इसमें दो अलग अलग मत आते हैं। पहला मत क्या कहता है, देखो हो सकता है आपको ये लेक्चर आपको बोरियत लगेगा, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि शुरू के तीन लेक्चर आपको बोरिंग लग सकते हैं। आपको लगेगा सर पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए आप तीन लेक्चर तक अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं बिल्कुल आपको भरोसा दिला दूंगा कि हाँ आपको कैसे स्टडी करनी है और क्या क्या चीजें ये जरूरत है कि नहीं, ये सारी चीजें आप सीख लोगे इनमें।
बात आती है, क्योंकि हम जिस पृथ्वी को रट रहे होते हैं उसे हमें पता तो होना चाहिए ना कि आंतरिक परतों के हिसाब से क्या है। तो पहला मत आया और दूसरा मत। तो पहला मत वाले लोगों ने कहा कि भूगर्भ की रासायनिक संरचना और संगठन समान है, यानी इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं वो एक जैसी हैं, उनमें एक ही जैसा तत्व पाया जाता है, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे फेरस ऑक्साइड हो या फिर निकेल हो, कुछ भी एक ही जैसा तत्व पाया जाता है रसायन के रूप में, केमिकल स्ट्रक्चर एक है और उसका संगठन भी एक है। अर्थात कि एम को कॉन्स्टेंट कर दो, जब अगर m को कांस्टेंट करोगे यानी कि उसके द्रव्यमान को कांस्टेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया कि d बराबर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था m अपॉन v, जब m कांस्टेंट हो गया तो d इज इक्वल टू 1 अपॉन v आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, ये पृथ्वी का एक कट पीस है जो मैंने बाहर निकाल रखा है और इस एरो का मतलब है कि हम पृथ्वी की आंतरिक परतों में जा रहे हैं, तो घनत्व में वृद्धि होगी, वैसे ही प्रेशर में वृद्धि होगी, लेकिन आयतन में कमी आएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाओगे तो आपके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि पृथ्वी की अंदर की परतों में अगर हम जैसे जैसे एंट्री कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले की बात है, हालांकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, सिल क्यारा सुरंग उत्तराखंड में थी, उत्तरकाशी में, वहां जो है कि कई मील नीचे जो है कि कुछ हमारे श्रमिक मजदूर भाई फंसे हुए थे और वहां पे उनको जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनके ऊपर दबाव ज्यादा था, वायुमंडलीय दबाव की जगह आंतरिक परतों का दबाव ज्यादा था, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर की गहराइयों में थे भाई, कहीं ना कहीं खनन कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक परतों में, तो इट मीन्स कि उनके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ रहा था, तो दाब भी ज्यादा था और घनत्व भी ज्यादा था, लेकिन आयतन कम हो रहा था। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि प्रेशर के अधिक होने के कारण आयतन कम हो जाता है। अब जैसे मैं अगर कहूं कि आप एक इतनी बड़ी गेंद है, इतनी बड़ी बॉल है, अगर आप इसको चारों तरफ से इस पे दबाव दोगे ना, बाहर से आप अगर इसे बाहर से दबाओगे, ठीक है, जैसे बहुत सारी स्माइली गेंद होती है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट वगैरह उसको यूज करते हैं हाथों में, ताकि उससे मुट्ठी को बंद करते हैं, खोलते हैं, एक सॉफ्ट सी गेंद होती है, अगर आप उसको दबाओगे तो वो इतनी छोटी हो सकती है। इट मींस कि इसके वी का मान क्या हो गया, कम हो गया। कब हो गया? जब हमने प्रेशर को बढ़ाया, जब हमने उस चीज पे बहुत अधिक दाब लगाया तो उसका आयतन कम हो गया और इससे घनत्व तो भी बढ़ गया, यानी उसके बीच में संकेंद्रण बढ़ गया। चूंकि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, इसलिए डी का मान केवल दाब जनित ही नहीं हो सकता। कहने का मतलब हो गया कि कोई एक वस्तु, हालांकि ये लोग मानते हैं प्रथम मत वाले कि प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित दाब होता है, कि आप एक लिमिट तक ही आप उसे दबा सकते हो, उससे ज्यादा आप दबाओगे तो वो टूट जाएगी, फट जाएगी, लेकिन पृथ्वी ना तो टूट रही है ना फट रही है और फिर भी इसका डी का मान बढ़ता जा रहा है, यानी घनत्व तो बढ़ रहा है। इसका मतलब केवल प्रेशर ही अंदर रिलीज नहीं हो रहा है, यानी प्रेशर के साथ साथ और भी ऐसे फैक्टर हैं जो घनत्व को वृद्धि कर रहे हैं, घनत्व में वृद्धि कर रहे हैं। तो दूसरे वालों ने कहा कि ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे कि आयतन को कांस्टेंट कर देंगे, बल्कि रासायनिक संरचना और संगठन को असमान कर देंगे, मतलब उसमें निकेल भी मिलेगा, फेरस भी मिलेगा, एल्यूमिनियम भी मिलेगी, सिलिका भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, अलग अलग प्रकार के खनिज मिलेंगे और उसकी संरचना एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी अंदर की परतों में, लेकिन इस बार हम वी को कांस्टेंट रख रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, अंदर की परतों में जब घनत्व बढ़ता जाएगा तो मास यानी द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? तो इसमें इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी का केंद्र चुंबक के समान होता है, अर्थात केंद्र में लोहा अधिक पाया जाता है। और याद होगा मैंने जब इस कट पीस को पढ़ाया था तो यहाँ कोर एरिया में मैंने आपको नीफे बताया था, यानी निकेल और फेरस ऑक्साइड, जो कि लोहे की तरह काम करता है। इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी आंतरिक रूप से दृढ़ता यानी इस्पात की तरह होगी, क्या उसमें लोहा अधिक पाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्टील की तरह मजबूत होगी। तो यहाँ पे दोनों जब मत आपस में अगली बात को करते हैं तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि देखो ऐसा हो सकता है कि घनत्व पे आधारित अध्ययन से सतह की अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि तो हो रही है, जिसके कारण ही सियाल सीमा और नीफे में परतों को सीमांकित किया गया, क्योंकि यहाँ पे हमने मास को क्या किया, अलग अलग कर दिया, न तो संगठित था मतलब असंगठित था और एक तरीके से अलग अलग संरचना थी, अर्थात जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे वैसे वैसे हमें अलग अलग प्रकार के द्रव्यमान मिल रहे थे, खनिज मिल रहे थे, जिसमें हमें सिलिका मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, फिर मैग्नीशियम मिलता है, निकेल मिलता है, फेरस मिलता है, और इसकी वजह से ही पृथ्वी की आंतरिक परतों में घनत्व तो बढ़ता जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे लेक्चर का, जो 12 मिनट अभी आपने सुना, 13 मिनट, इसका कंक्लूजन ये निकला कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो विभाजन हम करते हैं कि क्रस्ट वाले क्षेत्र में हमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिल जाता है, मेंटल वाले क्षेत्र में हमें सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, कोर वाले क्षेत्र में हमें निकेल और फेरस मिलता है, ये घनत्व पे आधारित अध्ययन के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया जो हमने घनत्व आधारित अध्ययन किया। क्लियर है?
अभी हमारा एक अध्ययन कंप्लीट हुआ और इससे हमें समझ में आ गया घनत्व के बेस पे कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अभी तापमान और दाब पर भी तो अध्ययन करना बाकी था पृथ्वी के लिए। वो क्या अध्ययन? अगर हम तापमान के नेचुरल कंडीशन की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में मैंने आपको कई बार ज्योग्राफी के अंतर्गत भूतापीय ऊर्जा को पढ़ाया है। भूतापीय ऊर्जा पे मैंने यह भी कहा है कि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से सूर्य का योगदान नहीं होता है। कई बार मैंने PYQ कराए होंगे जिसमें सूर्य के योगदान पे आधारित भूतापीय ऊर्जा नहीं होती है। फिर भी इस भूतापीय ऊर्जा में हीट कैसे पैदा होती है, गर्म कैसे रहती है, ये गर्माहट कैसे होती है, एनर्जी कैसे बन जाएगी जब इसमें सूर्य का कोई योगदान ही नहीं है, सूर्य इसे गर्म नहीं कर रहा? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों में कई बार रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, इनका विघटन भी होता है। जब ये तत्व आपस में टकराते हैं, आपस में टूटते हैं, विखंडन होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाते रहोगे वैसे वैसे आपको इन रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन सबसे अधिक मिलता जाएगा और उसी हिसाब से तापमान भी बढ़ता जाएगा। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि आप देखोगे पृथ्वी की आंतरिक परतों में, तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक परतों में आप नीचे जा रहे हो तो नीचे जाने पर टेम्परेचर का मान लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड 100 मीटर पे बढ़ता जा रहा है। 100 मीटर का मतलब आप एज्यूम कर पा रहे होगे, आप अपने घर से कुछ दूरी को ले लो, कुछ दूरी मतलब कि 100 मीटर के आसपास की कोई दूरी होनी चाहिए। अगर आपको वो भी आइडिया नहीं लग रहा है कि 100 मीटर कितना हो सकता है तो आप क्लास के बाद, अपना क्लास देखने के बाद आप कहीं पे टहलने जाना और आप देखना कि आपने 30 सेकंड में कितनी दूरी तय की। 30 सेकंड या 35 सेकंड में लगभग आप 100 मीटर की दूरी कवर कर लो तो वो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि वो 100 मीटर होता है, क्योंकि हुसैन बोल्ट ने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है 9 सेकंड में 100 मीटर को कवर किया है। तो आप 30 सेकंड नहीं तो 40 सेकंड या 50 सेकंड के आसपास 100 मीटर के एरिया को कवर कर लोगे। उतनी दूरी आप एज्यूम कर लो दिमाग में कि उतनी पृथ्वी से अंदर गहराई पे जब जाओगे तो लगभग पृथ्वी के अंदर 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ता जाएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं उनका विघटन होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहां पे एक और कंक्लूजन आप निकालोगे, अभी घनत्व आधारित कंक्लूजन अपने दिमाग में रखना, ठीक है? फिर जब आप देखोगे कि इस तरीके से तो सर मैं अगर पृथ्वी के अंदर खोदते हुए जाऊंगा 100 मीटर पे मेरे को 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, फिर और अगले 100 मीटर पे आपको 6 डिग्री हो जाएगा, अगले 100 मीटर पे आप इस तरीके से देखोगे कि 1 किलोमीटर अर्थात कि 10 बार जब आप 100 मीटर ले लोगे 1000 मीटर की गहराई पे, आप लगभग पाओगे कि 20 डिग्री तापमान बढ़ चुका होगा। होगा कि नहीं होगा? और इस तरीके से तापमान पे आधारित जो अध्ययन हो रहा था उन्होंने कहा कि लगभग 90 किलोमीटर की गहराई के पश्चात तापमान अत्यधिक हो जाता है जहां पे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह पाता है। ये कंक्लूजन इन्होंने पहले निकाल लिया। तो इससे क्या समझ में आता है कि अभी हमने घनत्व आधारित पढ़ा कि भाई वहां पे तो ये निष्कर्ष निकला कि घनत्व पे आधारित पृथ्वी की आंतरिक परतों में हमें ठोस पदार्थ मिलते हैं, सिलिका मिलती है, निकल मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। लेकिन यहां तो तापमान वाले कह रहे हैं भाई 90 किलोमीटर के और आगे जाओगे आप अंदर मेंटल वगैरह में, कोर में, तो वहां तो सब तरल पदार्थ मिलेगा। तरल पदार्थ में जो है कि सिलिका निकल कहां से मिल जाएगी, आयरन कहां से मिल जाएगा, मैग्नीशियम कहां से मिलेगा? तो यहां पे फिर अब स्टडी में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहां पर, ठीक है? देखो मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों यही रहेगा, बिल्कुल एकदम डिटेल से, बेसिक तरीके से। अगर जिसने बिल्कुल भी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, इतिहास नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि वो जरूर जो है कि 70-80% चीजों को समझ लेगा मेरे इन लेक्चर को देख के, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और जिन्होंने नहीं देखा तो पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में हर एक चीज को कन्फर्म करता हूँ, चाहे उसमें समय भले लग जाए। मेरा कहना है कि भाई वो कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ज्ञान लो तो पूरा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहां पर आप देखोगे कि ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। अब यहां पे किंतु अध्ययन तो गलत साबित हो गया। इन तापमान वालों ने कहा कि भाई पृथ्वी के अंदर आप अगर 90 किलोमीटर तक जाओगे ना, इस रेंज तक, ये पृथ्वी की बाहरी परत है, ठीक है, 90 किलोमीटर तक जाओगे तो यहां तो आपको मिलेगा ठोस पदार्थ, इसके बाद अंदर पूरा का पूरा ये तरल पदार्थ होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ इस अवस्था तक आते आते जो टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है 3000-4000 डिग्री सेल्सियस तक, इसके बाद कोई भी पदार्थ जो है कि आपका लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठोस पदार्थ में नहीं रहेगा। क्योंकि सूर्य का तापमान आपने देखा होगा, सूर्य क्या है, गैसों का गोला है, कोई वहां पे ठोस पदार्थ नहीं है वो, बल्कि गैसों का गोला है, यानी वो लिक्विड में भी नहीं है, लिक्विड से भी एडवांस कंडीशन में चला गया गैस में, क्योंकि वहां पे आग इतनी है, गर्मी इतनी है।
लेकिन यहाँ पे ये तापमान वालों का अध्ययन गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया कि क्रस्ट और मेंटल में तो ठोस अवस्था पाई जाती है और ये जो दूरी है ये लगभग 2900 किलोमीटर की है। तो यानी तापमान वाले जो कह रहे थे कि 90 किलोमीटर के बाद आपको हर चीज लिक्विड में मिलेगी, ऐसा तो है ही नहीं। क्रस्ट और मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक जिसका विस्तार है, यहाँ पर तो ठोस अवस्था देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि क्या समझ में आया कि भाई तापमान का अध्ययन गलत हो गया। तो इस पे बहस होने के बाद इन्होंने कहा कि अब हम दाब आधारित अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रेशर पे आधारित होकर अध्ययन करेंगे। तो जब प्रेशर पे आधारित अध्ययन किया गया तो प्रेशर का बेसिक नियम क्या है, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखोगे गैसीय अणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तरल उससे थोड़ा सा और नजदीक होता है और ठोस सबसे अधिक होता है। यानी आप जैसे जैसे गैस से तरल, तरल से ठोस की ओर जाओगे तो आपके प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। मैं सीधे तो बता रहा हूं कि अगर ये चीज है, अगर आप इसे चारों तरफ से दबाते जाओगे तो ये और ठोस होती जाएगी। कैसी होती जाएगी, ठोस रूप में कन्वर्ट होती जाएगी और जहां पे पी का मान क्या होगा, सर्वाधिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वी का मान, आयतन का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई कि भाई गैसीय अवस्था का जो दाब होता है वो सबसे कम होता है, यानी पी की वैल्यू यहाँ सबसे कम होती है और ठोस अवस्था में पी की वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो इन्होंने कहा कि पदार्थ के गलनांक या क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होने के कारण ही अंदर जाने पे जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिक तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सीधा संबंध होता है। और अतः इन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि पृथ्वी एक दृढ़ पिंड है, यानी कि ठोस पदार्थ से निर्मित है। अब यहां पर फिर ये जो है कि अध्ययन डाउटफुल हो गया, क्योंकि घनत्व वालों ने कहा कि पृथ्वी अंदर से ठोस भी है लिक्विड भी है, तापमान वाले कह रहे हैं कि भाई 90 किलोमीटर के बाद आपको पृथ्वी अंदर से लिक्विड मिलेगी, लेकिन क्रस्ट और मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक ठोस है, क्योंकि वहां पे भूकंपी तरंगों का हमने पता लगाया पी और एस का। तो इस आधार पे तापमान भी गलत हो गया, दाब वाले भी गलत है, वो कह रहे हैं कि भाई जितना अंदर जाओगे जितना ताप दाब बढ़ता जाएगा उतना ही जो है कि आपका वहां पे दृढ़ पिंड होगा। तो जब देखा गया कि दाब वाले कह रहे हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से ठोस है, तापमान वाले कह रहे हैं कि पृथ्वी आंतरिक रूप से तरल है, और ऐसी स्थिति में जब कुछ एक क्लियर नहीं आ पाया रिजल्ट, यानी कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो स्पष्ट जानकारी के अभाव के कारण इन्होंने भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को प्राथमिकता दे दी। इसलिए अब हम आपको कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा स्टडी प्लान था, जो आपने यहाँ देखा घनत्व तो आधारित क्या था, नीफे जो कि मैग्नीशियम हो गया, निकेल हो गया, सिलिका हो गया, या फिर तापमान आधारित, इन्होंने कहा कि पृथ्वी अंदर से क्या लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, भूकंप आधारित, सॉरी दाब वालों ने क्या कह दिया कि ये नीचे से ठोस अवस्था में, जब यहाँ से कोई रिजल्ट क्लियर नहीं आया तो इन्होंने कहा कि ऐसा है ये दोनों ही रिजल्ट गलत बता रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे भूकंप पे आधारित अध्ययन करेंगे जिसमें पी एस एल तरंगों की हम बात करेंगे और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद आते हैं आपके अगले टॉपिक जिसका नाम रहेगा भूकंप पर आधारित या भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। अब भूकंप की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ वगैरह हम लोग देखते हैं, मर्केली देखते हैं, अलग अलग जो है कि मानक यंत्र देखते हैं, इसकी बात करेंगे। तो भूकंप शास्त्र की अगर मैं बात करूं भूकंप शास्त्र की, तो देखो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि ये आपकी एक पृथ्वी है, क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी में भूकंप पैदा होता है, लेकिन भूकंप आंतरिक परतों में कहीं भी हो उससे मतलब नहीं पड़ता। आप मुझे ये बताओ भूकंप आपको महसूस होता है कि नहीं होता है, अगर आप दिल्ली के क्षेत्र में हो या भारत के किसी भी कोने के क्षेत्र में हो, यूपी, बिहार, पटना, एमपी या उत्तराखंड, कहीं भी रह रहे हो, पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हो, मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हो, पठार पे रह रहे हो, मरुस्थल में रह रहे हो, राजस्थान में, आपको भूकंप महसूस होता है कि नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि भूकंप की जब इंटेंसिटी लगभग 5.5 से अधिक होती है, यानी कि 6 के आसपास होती है, उससे भी अधिक, तो काफी विध्वंसकारी होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, जमीनें फट जाती हैं, बहुत सारे मलबे गिर जाते हैं। तो ऐसे में भूकंप पे आधारित जब हुआ तो ये पता चला कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है ना, वो तरंगों के रूप में होती है। किस तरीके से होती है, तरंगों के रूप में होती है, और इसमें तरंगों के रूप में ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, क्योंकि बेसिक नियम साइंस का ये कहता है कि एनर्जी कभी भी कोलैप्स नहीं होती, एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि एनर्जी के जो फॉर्म्स होते हैं, जो रूप होते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, ये कहते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊर्जा का यानी एनर्जी का स्थानांतरण करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। एक होता है निर्वात, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से भी हम एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, प्रकाश जो हो रहा होता है, एनर्जी तो है, सूर्य से आने वाली जो हीट होती है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, वो भी तो एक एनर्जी का ही रूप है, लेकिन वो जब गति करती है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गति करती है, जो कि निर्वात में गति करती है। लेकिन यहाँ जो हम ऊर्जा का स्थानांतरण पढ़ रहे हैं वो हम पृथ्वी के अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हर एक पदार्थ या तो लिक्विड में होगा या ठोस में होगा या फिर गैस में होगा, लेकिन निर्वात नहीं होगा।
इट मीन्स कि यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण हर हाल में यांत्रिक तरंगों से ही होगा, और यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि निर्वात में जब होता है प्रकाश की चाल वगैरह प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एनर्जी का ट्रांसफर आपका निर्वात में भी होता है सूर्य से, और पृथ्वी की आंतरिक परतों में भी होता है जहां पे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पे अगर हम बात करें, जी हाँ, हम उन्हीं तरंगों की बात कर रहे हैं जो PSL हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल से समझेंगे। तो इन्हें हम इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स कह देते हैं, और ये कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो इसी को हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसमें अगर हम बात करें तो यांत्रिक जो तरंगे होती है, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, दो तरीके से अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करती है। कैसे करती है? दो तरीके से। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक होती है लैटिट्यूडनल, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या मैंने बताया? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और एक होता है लैटिट्यूडनल वेव्स, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो इसको समझते हैं, और यहां पर आप ये भी समझ पाओगे कि कौन सी तरंगे ज्यादा खतरनाक होती हैं। हालांकि जो एल तरंगे होती हैं, जो सरफेस पे चलती हैं, क्योंकि हमें महसूस एल तरंगे ही होती है, हमें पृथ्वी की आंतरिक परतों में चलने वाली जो तरंगे होती हैं, कोर में, मेंटल में, जो पी तरंग हो सकती है, एस तरंग होती है, वो हमें नहीं महसूस होती, हमें होती है एल तरंगे। क्योंकि जब हमारी बॉडी हिलती है, बॉडी कंपन करती है, घर कंपन करता है, पंखे टूटने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि भूकंप आ रहा है, और इसमें एल तरंगों का सबसे अधिक उपयोग होता है, एल तरंगे ही होती है। और यहीं पे मैं बताऊंगा कि अनुप्रस्थ तरंगे ज्यादा खतरनाक होती हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक तरंग की दिशा है, ठीक है, ये तरंग की आपकी क्या, ये दिशा है, इस तरीके से तरंग इस तरफ जा रही है, लेकिन ये तरंग की दिशा समानांतर होती है। क्यों? क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों में हमेशा समानांतर होती है, समानांतर कणों का कंपन होता है। तो मुझे ये बता दीजिए, अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो यहाँ पे तरंग की दिशा के लंबवत कणों का कंपन होता है, यानी ये तो आपकी दिशा है, दिशा ये है कि इस तरफ जाना है, यहां से उत्पत्ति हुई इसकी और इसे इस तरफ आना है। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूं, अगर मान लो वेस्ट से उत्पत्ति हो रही है तो इसे ईस्ट में आना है, ये तो होगी इसकी दिशा, लेकिन यहाँ पे जो तरंगे है ना, वो ऊपर नीचे करती हुई आती है, ऊपर नीचे करती हुई आ रही है इस तरीके से। और एक जो है यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट अगर आ रही है, यानी एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट की ओर जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे कण क्या होते हैं, सिंपल एक ही डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, जिस तरीके से तरंग की दिशा होती है उसी के समानांतर चल रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं कि मैंने आपको क्या किया, सीढ़ी पर लिटाकर, एक रोलिंग पर लिटा के आपको नीचे गिरा दिया, आप मुझे बताना, मैंने मान लो ये एक सीढ़ी हो गई या एक रोलिंग हो गया, ठीक है, रोलर हो गया, इस पे मैंने आपको लिटा दिया और मैंने आपको नीचे गिरा दिया, तो आप कहोगे सर मुझे चोट लग गई, आपने मुझे गिरा दिया। मैं मानता हूं चोट में आपका हाथ पैर जो है कि न टूटे, बल्कि थोड़ी बहुत खरोच आ गई, थोड़ा ब्लड निकल गया, थोड़ी सी इंजरी हो गई, ये चीज है। लेकिन अगर मैं आपको तरंग की दिशा में तो फेंकू, नीचे की ओर तो फेंकू, लेकिन एक बार ऊपर फेंकू छत की तरफ, फिर नीचे पटक दूं, फिर ऊपर फेंकू और फिर नीचे पटक दूं और फिर ऊपर फेंकू और फिर नीचे पटक दूं, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें तो मेरी बॉडी टूट गई, हड्डी टूट गई, जिसे कहते हैं ना हाथ पांव टूट जाना, मतलब हाथ में इंजरी आ गई, सिर फट गया, पूरे पसली टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि मैंने इसमें आपको ऊपर भी फेंका, नीचे भी फेंका, ऊपर भी फेंका, नीचे भी फेंका, और इसी में आपकी एल तरंगे चलती हैं, इसी में आपकी एल तरंगे चलती हैं, और इसीलिए चोट किसमें सबसे अधिक लगती है? अनुप्रस्थ तरंगों में लगती है, जिसको हम लोग लैटिट्यूडनल कहते हैं। यानी किसी भी तरंग में अगर अनुप्रस्थ तरंग गति हो रही होगी, यानी ऊपर नीचे फेंकने वाली स्थिति होगी, तो उसमें आपको चोट ज्यादा लगेगी, यानी नुकसान ज्यादा होगा। और एल तरंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप के माध्यम से नुकसान पहुंचाती हैं, यानी एल तरंगे किस माध्यम में चल रही होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। अभी हालांकि मैं बताऊंगा कि अनुदैर्ध्य में भी चलेगी, ध्यान देना, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि तरंग की दिशा के लंबवत कणों का अगर कंपन हो रहा है तो उसे अनुप्रस्थ कहेंगे, अगर समानांतर हो रहा है तो उसे हम अनुदैर्ध्य कहेंगे। एक छोटा सा प्रश्न यहीं पे बन जाता है, यहीं पर बनता है कि फोकस किसे कहते हैं, भूकंप मूल किसे कहते हैं, और भूकंप की उत्पत्ति का जो केंद्र होता है ईपी सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई, तो ध्यान देना कि इस पॉइंट पे जहां पे मैं इस समय रेड कर रहा हूं, ये तो हो गया पृथ्वी की आंतरिक परत जहां पे भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, इसी को हम फोकस कहते हैं या हिंदी में भूकंप मूल कहते हैं। ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न यूपीएससी भी पूछती है, आरओ एग्जाम से भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, एमपीपीसीएस राजस्थान, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं ये उल्टा स्टेटमेंट बनाते हैं हमेशा। तो फोकस किसे कहते हैं, भूकंप मूल किसे कहते हैं, जहां पे भूकंप की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे उत्पत्ति क्यों हुई होगी, टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में मूवमेंट हुआ होगा, यहाँ पे दरारें पड़ी होंगी, जो पृथ्वी है अंदर से फटी होगी,
इसलिए झटके लगे होंगे, इस वजह से भूकंप की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या आप इस पॉइंट पे रहते हो? आप तो रहते हो यहाँ पे ना, स्थल खंड के ऊपर रहते हो, इस जगह पे रहते हो, तो आपको महसूस कहाँ पे होगा? आपको महसूस तो इसी वाले पॉइंट पे होगा जहाँ पे मैं आपको ग्रीन कर रहा हूँ, आपको महसूस तो इसी जगह पे होगा। और जहाँ पे भूकंप हमें महसूस होता है उसे हम ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर, यानी जहां पर सबसे पहले कंपन होता है, भूकंप मूल से निकटतम दूरी पर स्थित होता है। दूसरी भाषा में कहें कि जहां पर सबसे पहले भूकंप हमें महसूस होता है, व्यक्ति को महसूस होता है, तो उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। तो भूकंप मूल यानी फोकस, अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। यहां तक चीजें क्लियर होगी दोस्तों। अब आ जाते हैं भूकंप तरंगों की बात करते हैं। जो तीन प्रकार की मैंने आपको तरंग बताई थी, पी तरंग जिसको हम लोग प्राइमरी तरंग कहते हैं, एस तरंग जिसको हम लोग सेकेंडरी तरंग कहते हैं, एल तरंग जिसको हम लोग सरफेस तरंग कहते हैं। अब यहां पे समझना, पी का मतलब होता है दोस्तों, यहां पे एक मिनट, आपको बिल्कुल बहुत ही आराम से मैं हर एक चीज कंफर्म करते हुए चलूंगा। इसे हम प्राइमरी वेव्स कह सकते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और इसे हम लोग जो है कि सरफेस वेव कहते हैं, यानी कि एक तरीके से सरफेस पे चलने वाली एल तरंगें होती हैं। क्योंकि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स है, यहां से आप पूरा भूकंप सीख लोगे। और यहां से कई बार स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आयोग में, प्रीलिम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो ये पूरा स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है। आगे मैं आपको जब मेन्स के आंसर कराऊंगा ना भूकंप के बारे में, तो आपको बताऊंगा कि इनकी उपयोगिता क्या है। आपने अगर पीवाईक्यू किए होंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ इनकी उपयोगिता क्या है। अब यहां पर आप देखोगे कि पी तरंगों की बात करें, प्राथमिक तरंग, तो तीनों ही तरंगों में सबसे पहले उत्पत्ति इसी की होती है, यानी भूकंप की उत्पत्ति कौन सी तरंगों से होती है? पी तरंगों से होती है। एल तरंगे तो नुकसान करती हैं, हमें महसूस होती हैं, लेकिन उत्पत्ति सबसे पहले पी तरंगों से ही होती है, यानी भूकंप की उत्पत्ति किससे होती है? पी तरंगों से होती है। लेकिन इसमें खासियत है, ये बहुत ज्यादा चोटिल नहीं करती, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। क्यों नहीं पहुंचाती? क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग के समान चलती है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जहां पे कणों के समान, यानी कि दिशा के समान जो है कि कणों का समानांतर जो है कि चाल होता है, जो समानांतर दिशा में चलती हैं, इसी वजह से यहाँ पे नुकसान बहुत कम होता है। यानी कि प्राइमरी जो वेव्स है ये क्या करती है, सबसे पहले उत्पन्न होती है और ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्ध्य तरीके से चलती है। ध्वनि कैसे चलती है? इसी तरीके से चलती है। तो ये बताओ इसमें जो है कि इसकी स्पीड कैसी होगी या कैसा नहीं होगा? तो अगर आप देखोगे जहां पे कोई बैरियर नहीं आ रहा है, इसके चलने में कोई बैरियर नहीं आ रहा है, ये लगातार भागी जा रही है, कहीं पे कोई बैरियर नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है जहां पे कोई बैरियर नहीं है उसकी गति क्या होगी? सबसे अधिक होगी कि नहीं होगी? मैं कहूं कि आपको एक हाईवे पे मैंने बाइक दे दी है बुलेट, आप बुलेट राजा बन जाओ। बुलेट राजा बनने के लिए आप कब चलोगे? जब आप 100 की स्पीड पे चला रहोगे, 90 की स्पीड पे चला रहोगे। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कुछ ऐसी जगहों पे भेज दूं जहां पे उबड़ खाबड़ रोडें हैं, ब्रेकर्स हैं, गड्ढे हैं, तो क्या आपकी वहां पे स्पीड बुलेट राजा वाली होगी? आपकी स्पीड वहां पे लूना की होगी, स्प्लेंडर की होगी, 40, 35, 25 ऐसी स्पीड होगी। तो वहां पे स्पीड आपकी कम होगी क्योंकि बैरियर्स ज्यादा हो गए। तो सिंपल बात है, पी तरंगों की गति ज्यादा तेज होगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती है क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं आता। लेकिन जिसकी बैरियर नहीं आते हैं तो उसकी तीव्रता सबसे कम होती है, ये ध्यान देना। यही दोनों डिफरेंस होते हैं कि गति तो अधिक है लेकिन इसकी तीव्रता कम है, क्योंकि इसके कणों के कंपन क्या होते हैं? ये समानांतर दिशा में होते हैं, यानी इससे हमें चोट बहुत कम पहुंचती है। क्लियर है? अब यहां पे सेकेंडरी वेव्स की बात करूंगा अगर द्वितीयक तरंगों की, तो ये पी के बाद, भाई सेकेंड का मतलब क्या होता है? पहली तरंग उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद दूसरी तरंग उत्पन्न होगी। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा, आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होगे इसमें, जिसमें मैं पूरा का पूरा पी और एस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इनके बारे में आप पहले थोड़ा तरंगों के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां से इसकी पीडीएफ आपको पेड तरीके से मिलेगी, क्योंकि क्लासेस तो फ्री है लेकिन पीडीएफ सारी की सारी पेड है और बहुत ही कम प्राइस में रखी गई हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ। मैं कह सकता हूँ कि 100 के भी अंदर जो है कि उसकी प्राइस रखी गई है। और उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करोगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वहां से हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और वहां पर आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी पीडीएफ के लिए। चलिए अपने लेक्चर पे दोबारा आते हैं। तो मैंने पी तरंगों के बारे में बता दिया, तीन विशेषताएं यहाँ पे पूछी जाती है। पी तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती है, पहली विशेषता। दूसरी, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तीसरी, इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। चौथी, ये सबसे अधिक गति की होती है। ये चार विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, यही स्टेटमेंट प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछती है। सेकेंडरी तरंगों की बात करें अगर हम, एस तरंगों की, तो ये सामान्यतः पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती है और यह प्रकाश तरंग या जल तरंगों के समान अनुप्रस्थ होती है। अब ये अनुप्रस्थ है कुछ इस तरीके से, ऊपर नीचे फेंकने की तरीके से, यानी इसमें चोट ज्यादा लगेगी।
तो जाहिर सी बात है इनकी इंटेंसिटी कैसी होगी, इसकी इंटेंसिटी पी की अपेक्षा तो अधिक होगी। मैंने एल से कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि अभी एल पर लेके आऊंगा तो आपको पता चलेगा दोनों के बारे में, लेकिन पी की अपेक्षा तो अधिक होगी क्योंकि कंपन कैसा हो रहा है, लंबवत दिशा में हो रहा है, यानी ऊपर नीचे फेंकने वाला, एक बार छत पे फेंका फिर एक बार नीचे लाया, फिर एक बार छत पे फेंका फिर एक बार नीचे लाया, तो इट मीन्स कि आपको चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जो आप स्पीड एकदम भन्नाटेदार एकदम बुलेट राजा की तरह एकदम सीधी गति में भर सकते थे, ऐसी स्थिति में यहां पर आपकी स्पीड क्या होगी, ऊपर नीचे फेंकने की वजह से पी की अपेक्षा गति आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पी की अपेक्षा गति कम हो जाएगी। तो सेकेंडरी तरंग की दो तीन बातें याद रहोगी कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, इनकी तीव्रता पी की अपेक्षा अधिक होगी और पी की अपेक्षा इनकी गति यानी स्पीड कम होगी क्योंकि इसमें ब्रेकर आने लगे। अब अगर मैं बात करूं एल तरंगों की जो कि सरफेस लेयर कहलाती है, ये पी और एस दोनों से ही उत्पन्न होती है क्योंकि तरंग के दो ही रूप हो सकते हैं, या तो अनुप्रस्थ हो सकती है या वो अनुदैर्ध्य हो सकती है, तीसरा कोई रूप नहीं होता है। इसलिए जो एल तरंगों की उत्पत्ति होती है वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों का मिश्रण होता है इसमें, अर्थात अनुदैर्ध्य भी हो सकती है अनुप्रस्थ दोनों ही संभव है इसके अंतर्गत, ये विशेषता। और जहां पे दोनों ही विशेषता देखने को मिल रही है तो आप देखोगे कि इसकी तीव्रता सबसे अधिक देखने को मिलेगी, यानी इसके द्वारा जो चोट पहुंचाई जाती है, जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो सबसे अधिक होता है क्योंकि सतह के समीप चलती है और सतह के समीप ही आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, घर देखने को मिलेंगे, तालाब देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा, जंगल देखने को मिलेंगे, पशु जीवन देखने को मिलेगा, आप भी उसी पे रहते हो, तो सतह के समीप होने की वजह से इसकी तीव्रता अधिक होती है लेकिन इसकी गति सबसे कम होती है। गति क्यों, क्योंकि पी की सबसे अधिक गति जहां पे कोई बैरियर नहीं होता है और एस की गति जो है कि थोड़ी सी कम हो जाती है पी की अपेक्षा क्योंकि इसमें बैरियर्स होते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे दोनों ही विशेषता होती है इसलिए इसकी गति तो सबसे कम होती है लेकिन इसे विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। इन शॉर्ट यह भी पूछा जाता है कि किसमें या पी एल और एस तरंगों में से किसे हम विनाशकारी तरंग कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा पृथ्वी पर जितने भी चीजों को निर्मित किया गया वो कहीं ना कहीं विनाश होते हैं, वो समाप्त होते हैं, तो इसे विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। अब इसमें एक और वर्ड आता है आपको, बॉडी पिंड जिसे हम कहते हैं, इसको समझ लीजिए, बॉडी वेव जिसे हम कहते हैं, ये आप देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले पी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, पी तरंगे, इसके बाद आप देखोगे एस तरंगे जो है कि थोड़ी ज्यादा दूर चल रही हैं, फिर इसके बाद आपको एल तरंगे देखने को मिलेंगी, ठीक है, एल तरंगे आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आप देखोगे कि पी तरंगों की अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने जो पहला लेक्चर आपको पढ़ाया, क्यों मैंने आपको कहा कि घनत्व के बारे में आपको जानना चाहिए, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में, जो मैंने पहले लेक्चर में कल के लेक्चर में पढ़ा था कि आपको क्रस्ट भी मिलेगा, मेंटल भी मिलेगा, कोर भी मिलेगा, इसमें कुछ लिक्विड होगा, कुछ ठोस होगा, कुछ गैस होगा, इसलिए पी तरंगे आपके तीनों ही माध्यम में चलती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी तरंगों के बारे में, ठीक है। ये कैसी हैं, ये अनुदैर्ध्य हैं, अर्थात कणों का जो दिशा होती है वो समानांतर होती है और साथ में ये ठोस द्रव गैस तीनों में ही ये मूवमेंट कर सकते हैं। एस तरंगों की बात करेंगे तो केवल और केवल ठोस माध्यमों में होते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हें रटना नहीं है। मैं बहुत ही लीनियंट तरीके से आपको लेमन तरीके से चीजों को समझा रहा हूं और शायद ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। पूरे यूट्यूब पर उठा के देख लो, पूरे यूट्यूब का मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपने इस तरीके की ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। इतने क्लैरिफाई तरीके से, इतने नीट एंड क्लीन और इतनी ऑथेंटिक तरीके से नोट्स का सिस्टमैटिक कंपाइलेशन करके मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए बस मैं यही चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार तो फॉलो जरूर कर लेना और साथ में हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर जगह इसे पोस्ट करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ नया नया इनिशिएटिव करने के लिए। ग्लेंस अकेडमी जानी ही जाती है अपने लिए कि नए नए इनिशिएट करती है, चाहे वो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स तैयार कर दो, चाहे वो मेंस के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दो, या फिर पीवाईक्यू को हैंड रिटन तरीके से बहुत सिस्टमेटिक तैयार करना, अपने नए इनिशिएटिव के लिए ही जानी जाती है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि एस तरंगे आपकी केवल ठोस माध्यम में चलती हैं और एल तरंगे जो है कि अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एल तरंगे तो चलती हैं सरफेस के पास, लेकिन पी और एस तरंगे क्या होता है, आंतरिक परतों में गतिमान होती है, यानी कि सतह से दूर होती हैं और इसीलिए इसको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है, यानी कि जो पिंड होता है, पिंड का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी की आंतरिक परतों में मुख्य रूप से गतिमान होती है पी तरंगे और एस तरंगे, इसलिए इसको बॉडी वेव्स यानी कि पिंड तरंग भी कहा जाता है, जबकि एल को पिंड तरंग नहीं कहा जाता बल्कि ये सतही तरंग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें एक खास बात क्या देखिए आपने, पी जो है कि तीनों ही माध्यम में गति कर सकती है, एस आपकी केवल ठोस माध्यम में गति करेगी और यहाँ पे ये दोनों ही मिलकर इसे पिंड कहा जाता है या बॉडी वेव्स भी कहा जाता है।
अब यहां पर बात आएगी कि किन तरंगों की गति कहां पे होगी, कितनी जो है कि चोट पहुंचेगी यानी कितना नुकसान होगा, इन सभी चीजों पे स्टडी अगर हम करें आगे तो आप देखोगे कि तरंग की गति पदार्थ के घनत्व पे निर्भर करती, जहां पे डी अधिक होगा वहां पे गति अधिक होगी। अब यहां पे आपने जो घनत्व वाला टॉपिक अभी डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि घनत्व के आधार पे क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी आंतरिक परतों से क्या ठोस है, तो आपने नियम भी पढ़ा होगा कि तरंग की गति कहां पे सबसे अधिक होगी, पदार्थ का जहां पे घनत्व अधिक होगा। और घनत्व कहां पे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। आपको ये चीज पता होगी साइंस में, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बता दूं कि स्टील में सबसे अधिक ध्वनि होती है। ध्वनि क्या है, एक तरीके से तरंग है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग। और उस यांत्रिक तरंग की वैल्यू सबसे अधिक ठोस में देखने को मिलती है, स्टील वगैरह में, इस्पात में सबसे अधिक देखने को मिलती है। वहीं गैस में सबसे कम देखने को मिलेगी, हवा में सबसे कम, निर्वात में सबसे कम, क्योंकि वहां पर ठोस नहीं है, कुछ भी माध्यम नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि तरंग की गति कहां पर सबसे अधिक होगी, जहां पे घनत्व सबसे अधिक होगा। और घनत्व के स्टडी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, घनत्व के स्टडी में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे डी की वैल्यू क्या होगी, घनत्व का मान बढ़ता जाएगा। इट मींस तरंगें कहां पे सबसे अधिक तेजी से चलेंगी, यहां पे चलेंगी। और यहां पे कौन सी तरंग चलेगी, पी चलेगी, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज होती है। फिर यहां वाले जोन में कौन सी तरंग चलेगी, इस वाले एरिया में, क्योंकि ये घनत्व का मान यहाँ पे क्या होगा, नीचे की अपेक्षा कम होगा, तो यहाँ पे एस तरंगे देखने को मिल जाएंगी। और अगर सबसे ऊपर में बात करूं, क्रस्ट की बात करूं, तो यहाँ पे कौन सी तरंग चलेगी, एल तरंग चलेगी, और इसकी स्पीड सबसे कम है। मैंने यही तो बताया था, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी तो कम है, घनत्व तो सबसे नीचे मिल रहा है ना आपको, घनत्व तो यहाँ मिल रहा है सबसे नीचे साइड में बहुत अधिक, तो यहाँ पी अधिक हो सकता है, लेकिन ऊपर क्रस्ट में घनत्व तो कम है, इसलिए एल की गति जो है कि कम होती है। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, पृथ्वी पे कहाँ पे चलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं कि समान रासायनिक संरचना या संगठन तो तरंग का मार्ग सीधा होगा। अगर कोई भी पदार्थ है यानी कि मास है यानी कि द्रव्यमान है, अगर वो समान रासायनिक संरचना है या संगठन है तो तरंग का मार्ग समानता सीधा होगा, एक जैसा ही तो होगा। उसमें कर्व कब आएगा भाई, जब संगठन या संरचना में कुछ परिवर्तन आएगा। मान लेता हूं कि मैं अगर आपको कहूं कि भाई आपकी एक स्पीड है, आपको एक हाईवे पे मैंने उतार रखा है और आप हाईवे पे जा रहे हो, लेकिन अचानक से आपको एक गांव के रास्ते पे टर्न कर दिया जहां पे कच्चा रास्ता, उबड़ खाबड़ है, खड़ंजा है, वहां पे आपकी गति क्या होगी, तरंग का मार्ग क्या होगा, यानी आपकी स्पीड क्या होगी, कर्व हो सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है, आपकी गाड़ी जो है कि जो एकदम सीधी जा रही थी, हैंडल जरा सा भी नहीं मुड़ रहा था, वो हैंडल थोड़ा बहुत आपका इधर से उधर मुड़ने लगेगा गड्ढे को बचाने के लिए। तो इस वजह से जहां पे समान रासायनिक संरचना होगी वहां पे तरंगों का मार्ग तो सीधा होगा, लेकिन भूकंपी जो तरंगे होगी, जिसको हम लोग पी कहते हैं, एस कहते हैं, एल्थ कहते हैं, इनका मार्ग वक्राकार होगा। क्योंकि होता है, मतलब यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट दे दिया ना कि जहाँ पे रासायनिक संरचना समान होगी वहाँ तरंग भी समान होगी, सीधी होगी, लेकिन वास्तविक रूप में भूकंपी तरंगों का मार्ग वक्राकार होता है। वक्राकार होने का मतलब हो गया कि संरचना और संगठन क्या पृथ्वी के अंदर से असमान है। और यही चीज तो हमने घनत्व आधारित अध्ययन में भी प्रूफ की थी, घनत्व आधारित अध्ययन में, इसीलिए तो हमें आपको क्या दिखाना पड़ा कि नीफे मिलता है, सियाल मिलता है और सीमा मिलती है इस तरीके से, ठीक है। इन सभी चीजों से क्या प्रूफ होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो संगठन है, संरचना, वो असमान है, और इसी वजह से ये क्या होती है, वक्राकार होती है। अब जरा यहाँ पे एक जो इमेज आपको दिखा रहा हूं मैं, आप इस इमेज के माध्यम से देखता हूं कहां तक आप समझ पाते हो, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा, और यहां से आपके भूकंप से बनने वाले सारे प्रश्न आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जो है कि ये दिख रही है आपको, हमारी प्यारी पृथ्वी तो है, ठीक है, पृथ्वी आपको ये दिख रही है, और इसमें जो है कि भूकंपी तरंगे जो उत्पन्न हो रही है वो कैसी हो रही है, कर्व के साथ हो रही है। कर्व मतलब क्या हो गया, वक्राकार होना, ये चीजें वक्राकार हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि ईपी सेंटर, मैंने बताया था ईपी सेंटर क्या होता है, अधिकेंद्र, जहां पे हमें भूकंप महसूस होता है, और भूकंप कहां महसूस होता है, एल तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की सतह के पास होता है। और ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह ही तो है, ये बाहरी कोर तो है, मतलब बाहरी एरिया जहां पे क्रस्ट होता है, क्रस्ट पे ही तो हमें महसूस होती है एल तरंगों की वजह से, तो इसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पे फोकस, जिसे हम कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं, जहां पे इसकी उत्पत्ति होती है। तो अब हम इसकी बात करेंगे इस तरीके से कि ये एक पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी की अंदर की परतों में आपको क्रस्ट भी मिलेगा, मेंटल भी मिलेगा, कोर भी मिलेगा। तो आप देखोगे अगर इन बातों को समझोगे कि एल तरंगे जो है वो केवल आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, वो आपको सरफेस पे देखने को मिलेंगी, जबकि पी और एस तरंगे आपको अंदर की ओर देखने को मिलेंगी। और यहां पर आप देखोगे ये रेड वाली जो दिख रही है इस तरीके की छल्ले की तरह बनी हुई है, ये आपकी एल तरंगे हैं, ये कहाँ चलेंगी, सतह पर चलेंगी। और आप जैसे जैसे अंदर की ओर जाओगे, अर्थात कि जैसे जैसे आप कोर की ओर जाओगे, कोर एरिया में, तो यहां पर आप देखोगे कि कुछ तरंगे जो है कि वेव्स हो रही है, मुड़ रही है,
यानी कर्व हो रही है, फिर उसके बाद एकदम इनर कोर में पहुंचते ही फिर इसकी गति बहुत तेजी से बढ़ने लगी, बहुत तेजी से बढ़ने लगी, किसकी? पी की। तो आओ अब देख लेते हैं इसके बारे में। अब एक एक करके चीजों को हम समझते हैं। देखिए जो आउटर कोर होता है ना, आउटर कोर कैसा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और यहाँ पे पी तरंग क्या होती है, धीमी गति से चलती है, क्योंकि कोई भी तरंग सबसे अधिक गति से तब चलेगी जब वो ठोस अवस्था में होगी। तो देखिये पी गति आपकी क्रस्ट पे भी जो है कि चली ठीक ठाक, आपकी मेंटल में भी ठीक ठाक चली, लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करती है आउटर कोर में, जहां पे इसकी तिरछी रेखाएं बनने लगती हैं, अर्थात इसकी गति धीमी हो गई। लेकिन जैसे ही वो इसके बाद इनर कोर में प्रवेश करती है, इनर कोर में प्रवेश करती है और पी तरंग गति तीव्र हो जाती है, यानी इसकी स्पीड तीव्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे ठोस पदार्थ देखने को मिलता है इनर कोर में, ठीक है। और अगर हम बात करें आउटर कोर में, आउटर कोर में आप देखोगे कि जहाँ पे पी की तरंग क्या होती है, स्लो हो जाती है, और ये जो बाहरी एरिया है इसको हम एल तरंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक का एक शैडो क्षेत्र भी कहलाता है। शैडो क्षेत्र किसे कहते हैं, आप इसको देख लो, छाया क्षेत्र, यानी जहां पे पी और एस तरंगों के द्वारा कोई कंपन ही नहीं होता है, एक ऐसा जोन जहां पे पी और एस तरंगें पहुंचती भी होंगी तो वहां पे उनके द्वारा कोई कंपन नहीं होता। हालांकि यहाँ पे तो कोई पहुंची नहीं, क्योंकि आप देखोगे इस लाइन के ऊपर ही सारी तरंगे हैं, या फिर आपके सीधे इनर कोर में आके तरंगे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बिकॉज एस तरंगे तो यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं और पी तरंगों की गति धीमी हो जाती है आउटर कोर में, तो ये जो शैडो क्षेत्र है वो आउटर कोर वाला क्षेत्र होता है। ध्यान देना कि आउटर कोर में क्या है दोस्तों, आउटर कोर में द्रव है ना, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में और आज भी बता रहा हूं, आउटर कोर में द्रव है और द्रव में एस तरंगे नहीं चलती है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था कि जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में चलती हैं, और ठोस में जो है कि आपको मेंटल में मिल सकता है, क्रस्ट में मिल सकता है, या फिर इनर कोर में मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे लिक्विड ही आ गया, आउटर कोर वाले जोन में, तो पी तरंगे तो चल ले रही हैं, लेकिन उनकी गति क्या है, कम है, गति क्या है, धीमी है आउटर कोर में, क्योंकि तो पी की विशेषता ही है कि वो ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी, लेकिन एस तरंगे तो केवल ठोस में चलेगी, तो आउटर कोर में आते ही क्या होती है, एस तरंगे विलुप्त हो जाती है, लेकिन पी तरंगे क्या होती है, लिक्विड होने की वजह से थोड़ी सी इनकी गति स्लो हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये तरंगे इनर कोर में पहुंचती हैं, तो इनर कोर में पहुंचते ही पी तरंगों की गति अचानक से सडनली बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि ठोस में किसी भी तरंग की गति बहुत तेज चलती है, ठोस में किसी भी तरंग की गति बहुत तेज हो जाती है। अब यहां पर इस पॉइंट पर आकर कुछ लोग जरूर मुझे कमेंट करेंगे कि सर यहां से कब निकलोगे बाहर, हमें तरंग में ही उलझा दोगे या हमें भूकंप में ही गिरा दोगे, तो मैं बस निकलने ही वाला हूं अब यहां से बाहर। तो यहां पर मैंने आपको ये चीज बता दी, क्योंकि तरंग की गति तभी तेज होगी जहां पे घनत्व का मान अधिक होगा, अर्थात जहां पे डी की वैल्यू अधिक होगी डेंसिटी की, वहीं पे आपकी स्पीड की वैल्यू अधिक होगी, और पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर डी की वैल्यू बढ़ती जाती है, अर्थात गति बढ़ती जाती है। इट मीन्स कि इनर कोर आईसी जिसे मैं लिखता हूँ, इनर कोर में ठोस पदार्थ होता है जहां पे पी की तरंगे बहुत तेज बढ़ जाती है। यहां पर एक पृथ्वी का एक छोटा सा कट मैंने ले रखा है, ये वाला डिजाइन अगर आपको मैं दिख रहा होगा, इसके बारे में अगर मैं स्टडी करूं जो आइसक्रीम के कोन जैसा है, तो यहां पे देखो ये कौन सा एरिया है, ये क्रस्ट है दोस्तों, ये कौन सा एरिया है, ये मेंटल है। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही किस तरीके के हैं, ठोस है, क्योंकि यहाँ पे पी और एस तरंगे गति कर रही है ठोस में, हालांकि एल भी करती है, लेकिन अभी मैं पी और एस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हम आउटर कोर में आते हैं ना, यहाँ पे आउटर कोर में, तो यहाँ पे पी तरंगे जो है कि धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आउटर कोर कैसी होती है, द्रव की होती है, लेकिन यहाँ पे एस तरंगे बिल्कुल ही विलुप्त हो जाती है। और जैसे ही आप इनर कोर में पहुंचते हो तो यहाँ पे पी तरंगों की गति तीव्र हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक पी के कारण पदार्थ जमी हुई अवस्था में ठोस हो जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक पी मतलब यहाँ पे दाब, अत्यधिक दाब के कारण, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों में आने से जो तापमान और द्रव पे आधारित अभी हमने अध्ययन किया, उसमें ये पता चला कि दाब के आधार पे जितना भी आप पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाओगे, दाब का मान बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और कोई भी वस्तु जो होगी वो ठोस अवस्था में बनती जाएगी। तो ठोस होने की वजह से इनर कोर में पी की स्पीड बढ़ जाती है। और ये जो कैटेगराइजेशन है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, गुटेनबर्ग, लेमैन, मोहो, रेपिटी, कॉनराड, ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में आपको बता दी थी। तो यहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद इस लेक्चर को आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर इस लेक्चर को आपने नहीं समझा तो फिर आगे जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, अर्थ मूवमेंट, जिसका मतलब हो गया कि अब पृथ्वी में भूकंप कैसे आ रहा है, सुनामी कैसे आ रही है, चक्रवात कैसे आ रहा है, ज्वालामुखी कैसे आ रहा है, पर्वत कैसे निर्मित हो रहे हैं, पठार कैसे निर्मित हो रहा है, रिफ्ट वैली कैसे निर्मित हो रही है, ये सारी चीजें अब आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले आपको भूकंप की
जो लेक्चर अभी तक मैंने दिया पिछले 45 मिनट में, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक अर्थ मूवमेंट पर। तो चलिए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है, जो मैंने पहले ही दिन आपको एक छोटा सा वर्ड दिखाया था अर्थ मूवमेंट, वो क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चीज पे मूवमेंट अगर होगा तो बल की वजह से होगा। मैं अगर आपको उठा के कहीं बाहर फेंक दूं या किसी वस्तु को उठा के दूसरी जगह फेंक दूं तो कहीं ना कहीं उसमें न्यूटन के लॉ लगते हैं, अर्थात बल का नियम लगता है, जड़त्व का नियम कह सकते हो जिसे, कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो पृथ्वी भी संचलन तभी करेगी, यानी उसमें मूवमेंट तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगेगा। लेकिन ये बल दो प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि एक तो बल आंतरिक रूप से लग सकता है अंदर की परतों से, एक बल बाहरी वायुमंडल से लग सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पृथ्वी में जो संचलन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो बल के कारण होता है। अब इसकी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। अगर पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो बल लग रहा है तो उसे हम अंतर्जनित बल कहेंगे, अंतर्जनित भू संचलन कहेंगे, जिसको इंग्लिश में एंडोजेनेटिक मूवमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंडोजेनेटिक मूवमेंट। दूसरा जो है पृथ्वी की बाह्य परतों में जो बल लगता है, यानी कि पृथ्वी की जो बाह्य परतों से लगता है बाहर के वायुमंडल से, उसको बहिर्जनित भू संचलन कहते हैं, जिसको एक्सोजेनेटिक मूवमेंट करें, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। तो यहां पे दो बातें समझ में आ गई कि जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है, यानी कि भू संचलन होता है, वो बल के कारण होता है। और इसमें दो अलग अलग कारण होते हैं, एक तो पृथ्वी की आंतरिक परतों से लगता है, उसे हम अंतर्जनित भू संचलन या एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, या मूवमेंट भी कह सकते हो। और दूसरा होता है पृथ्वी की बाह्य परतों में जो बहिर्जनित भू संचलन होता है, बाहर से लगने वाले बल, जिसको एक्सोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। इस वर्ड को जरा याद रख लो ढंग से कि अंतर्जनित बल किसे कहते हैं, बहिर्जनित बल किसे कहते हैं, क्योंकि इसका बार बार प्रयोग आने वाला है आगे, और इसी के माध्यम से आप देख पाओगे कि कैसे भूकंप, पर्वत, ये सारी चीज। लेकिन एक चीज तो हो गई कि बल कहां से पैदा हो रहा है, अंदर से या बाहर से। दूसरी एक और कंडीशन आती है कि बल तेज है या धीमा है, यानी बल की तीव्रता कैसी है। मैं अगर आपको वेलोसिटी वेग से फेंक दूं, पलायन वेग से, तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर जाओगे और फिर दोबारा पृथ्वी पे कभी नहीं लौटोगे, कभी नहीं लौटोगे, अंतरिक्ष में चले जाओगे। तो एक तो हो गया बहुत अधिक तीव्रता से, और एक ऐसा बल हो गया जिसको मैंने अगर आपको थोड़ा सा बल लगाया तो आप बहुत होगा तो एक सीट से दूसरी सीट पे चले जाओगे, या एक जगह से दूसरी जगह पे बस थोड़ा सा खसक जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि बल की इंटेंसिटी क्या है, बल की कितना बल है, यानी कि वो कितना तेज था, कितना स्लो था। इस आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्लो इंटेंसिटी, यानी जिसकी तीव्रता बहुत कम होती है, एक होता है अधिक तीव्रता जिसकी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। क्लियर है? अब यहां पर आपको एक चीज तो महसूस होगी, या एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट कह सकते हैं। और वो क्या है क्लियर कट बात? वो क्लियर कट बात ये है कि आपको इतना तो पता होगा कि अगर किसी भी चीज को हम बहुत तेजी से करते हैं, बहुत एक्टिव मोड में कहते हैं, तो उसका रिप्लाई भी उतनी ही तेजी से होता है, लेकिन वो कम समय के लिए होता है। जैसे अगर मैं कहूँ विद्युत गर्जन के साथ अगर बारिश हो रही होती है, कहीं पे बिजली कड़क रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं, मुश्किल से एक आध घंटा बरसेगा और बहुत तेजी से बारिश होगी, लेकिन लिमिटेड जगह पे होगी, कम जगह पे होगी, और ज्यादा बाढ़ वाड़ नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कहूं बारिश रोज थोड़ा थोड़ा हो रही है, डेली आपको बारिश देखने को मिल रही है, सुबह बारिश हुई, शाम में बंद हो गई, फिर अगले दिन सुबह नहीं हुई, शाम में हो गई, दोपहर हो गई, रात हो गई, दिन भर बारिश हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है, उसमें बिजली नहीं कड़क रही है, बहुत आराम आराम से हो रही है, और काफी बड़े क्षेत्रफल में हो रही है, काफी बड़े एरिया में हो रही है, तो आप देखोगे कि पूरे रास्ते भर पानी भर जाएगा। इसका मतलब क्या, वो ज्यादा तेजी से प्रभावित नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे प्रभावित करती है। तो सेम वही बल में भी होता है कि एक होता है कम इंटेंसिटी वाला जो बल होता है, और एक होता है अधिक तीव्रता वाला। तो जो कम इंटेंसिटी वाला बल होता है, यही पर्वत, पठार, नदी घाटियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको हम लोग पटल विरूपण संचलन कहते हैं। तो ध्यान से समझ लेना, अंतर्जनित भू संचलन, बहिर्जनित भू संचलन, पटल विरूपण, ये आकस्मिक संचलन, ये ऐसे चार महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसका बार बार प्रयोग होगा, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, और इसको हम पटल विरूपण संचलन कहते हैं। तो जो कम तीव्रता वाला बल होता है, अब मान लो पहली चीज यहां पर ध्यान देना, हम क्या पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो बल लग रहा है उसे तो पढ़ रहे हैं, हम पृथ्वी की बाहरी परतों की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो आप कहीं बाहर खड़े हो और आपके ऊपर बहुत तेजी से आंधी आई, चक्रवात आया, वायु आई, तो आपको महसूस होगा कि क्योंकि आपके कपड़े उड़ने लगेंगे, आपके बाल उड़ने लगेंगे, आपको खुद हवा का झोंका सा लगेगा और आपको महसूस होगा। लेकिन जो बल पृथ्वी की अंदर की परतों से लग रहा है, वो भूकंप के माध्यम से तो महसूस होगा, बाकी चीजों से तो महसूस नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो महसूस होगा, फील होगा, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि होगा ही नहीं महसूस, या दीर्घकालिक प्रभाव इसके सतह पर नजर आते हैं। दीर्घकालिक का मतलब लाखों वर्ष लग सकते हैं, हजारों वर्ष लग सकते हैं, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, उसका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि पर्वत का निर्माण क्या एक दिन में होता है, आज हमें जो हिमालय देखने को मिला है केवल 8,848 मीटर, अर्थात लगभग 9 किलोमीटर की हाइट की जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, इनका निर्माण क्या दो दिन में हो गया, क्या 10 दिन में हो गया, क्या एक साल में हुआ,
आप कहोगे नहीं सर, इसका निर्माण तो करोड़ों वर्षों में हुआ है। यानी धीरे धीरे अंदर की परतों में कोई ना कोई बल लग रहा था जिसकी तीव्रता बहुत कम थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो महसूस हो रहा था, या यूं कहें कि बहुत ही कम महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसमें एक पर्वत का निर्माण हो रहा था, एक पठार का निर्माण हो रहा था, और इसमें करोड़ों वर्ष लग गए। सेनेजोइक काल पड़ा, टर्सरी युग पड़ा, तमाम अलग अलग जो है कि हमने युग पढ़े, प्लायोसीन युग पड़ा, तब जाके हम आज पर्वत को देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका जो प्रभाव होता है पटल विरूपण संचलन का, ये लॉन्ग समय में दिखता है, यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। लेकिन वहीं पे जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, अर्थात एक आकस्मिक संचलन इसमें देखने को मिलता है, अचानक से, सडन मूवमेंट जिसे कहते हैं, और इसको महसूस कर पाना संभव होता है, और अल्पकालिक प्रभाव ही सतह पर नजर आते हैं। अगर मैं कह दूं भूकंप की बात, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल, क्योंकि भूकंप अचानक से महसूस होता है, सडन मूवमेंट होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, हो तो रहा है आंतरिक परतों में, हमने बाह्य परतों की तो स्टडी नहीं की। हम बाह्य परतों की स्टडी सामान्यतः आग्नेय चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, आच्छादित चट्टानों में, अवसादी, ये सब चीजों में करेंगे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वायु होगी, आंधी होगा, तूफान होगा, क्योंकि ये सब पृथ्वी के बाहरी परतों पर लगते हैं। हम आंतरिक परतों की बात कर रहे हैं, तो अचानक से जो बल उत्पन्न होता है आकस्मिक, वो हमें महसूस भी होता है, लेकिन इनका प्रभाव कम समय के लिए होता है। आपको क्या लगता है, भूकंप एक साल पूरा लगातार बना रहता है क्या? भूकंप मुश्किल से मुश्किल जो है कि 5 मिनट रहता है, 1 मिनट रहता है, 2 मिनट रहता है, उसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि उतनी ही देर में वो कोलैप्स कर देता है बिल्डिंग को, शहर को उजाड़ देता है, बिल्कुल हाईवे, ब्रिज, सब कुछ एकदम खराब कर देगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत तेज होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत तेज इंटेंसिटी होती है, इसलिए वो हमें महसूस भी होता है। तो भूकंप किस में आएगा? अधिक तीव्रता वाले में, अधिक बल होता है इसके में, और ये आकस्मिक संचलन के अंतर्गत आता है। लेकिन वही मैंने कम तीव्रता में बताया, जो कि महसूस या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम होगा, और इसके प्रभाव दीर्घकालिक पृथ्वी पर दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? अब यहां पर आपको देखो, ये अपने दिमाग में आपको फ्रेमिंग लेके चलनी है, हालांकि मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा कि जो भू संचलन होता है, अर्थ मूवमेंट, ये एक आंतरिक परतों से होता है, एक बाह्य परतों से होता है। लेकिन आंतरिक परतों में भी दो आधार होते हैं, एक होता है पटल विरूपण संचलन जिसमें तीव्रता कम होती है, दूसरा होता है आकस्मिक संचलन जिसमें तीव्रता अधिक होती है। तो अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा पटल विरूपण संचलन के बारे में। तो पटल विरूपण संचलन में भी आप देखोगे 3 कैटेगरी आती है। अब यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस के साथ चीजों को पढ़ना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ तक क्लास को रोक देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपने पीछे 1 घंटे में आपने पढ़ी हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड में रिटेन करिए। अगर आपने पीडीएफ को परचेस किया तो उस पीडीएफ के साथ आप इसको एडजस्ट करिए, यानी अपडेट करिए जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई, और आपको लगता है कि वो नोट करनी चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज क्लास को रिवाइज करिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करने के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ कुछ अलग अलग मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता हूँ, कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ, कुछ अपडेट आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।